इंग्लैंड के खिलाफ इसी महीने 25 जनवरी से शुरू हो रही टेस्ट सीरीज के पहले दो मैचों के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया। टीम में लगभग वही खिलाड़ी हैं जो दक्षिण अफ्रीका दौरे पर गए थे। हालांकि विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन का इस टीम में चयन नहीं हुआ, उनकी जगह ध्रुव जुरेल को टीम में मौका दिया गया। भारतीय टीम की घोषणा से पहले ही इसका अंदेशा था कि ईशान किशन को स्क्वाड में शामिल नहीं किया जाएगा। ऐसी चर्चा पिछले कुछ दिनों से लगातार चल रही थी। ऐसे में उन्हें लेकर अब एक नई बात निकलकर सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ईशान किशन को टीम इंडिया से इसलिए बाहर किया गया है क्योंकि उन्होंने कोच राहुल द्रविड़ के आदेश का पालन नहीं किया। यही कारण है कि अफगानिस्तान के खिलाफ T20 और अब इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में उनका नाम नहीं है। ईशान किशन साउथ अफ्रीका दौरे पर भारतीय टीम के साथ थे, लेकिन टेस्ट सीरीज से ठीक पहले वो टीम से बाहर हो गए। खबर यह आई कि लगातार क्रिकेटिंग शेड्यूल से वो काफी थक चुके हैं और उन्हें ब्रेक चाहिए। ब्रेक के बाद ईशान एक टीवी शो में नजर आए और इसके बाद वो छुट्टी मनाने के लिए दुबई चले गए। ब्रेक से लौटने के बाद ईशान किशन को चाहिए था कि वो झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन से संपर्क करते क्योंकि रणजी ट्रॉफी की शुरुआत हो चुकी थी। मानसिक थकान का हवाला देकर टीम इंडिया से ब्रेक लेने वाले ईशान घरेलू क्रिकेट को नजरअंदाज कर टीवी शो और दुबई में पार्टी करते देखे गए। ऐसे में माना जा रहा है कि उनके इसी रवैये के कारण BCCI ने सख्ती दिखाई है। इस पूरे मामले पर जब झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव देवाशीष चक्रवर्ती से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि ईशान ने अपनी उपलब्धता के बारे में उनसे कोई बात नहीं की। ईशान जैसे ही अपने बारे में बताएंगे उनको प्लेइंग 11 में जगह दे दी जाएगी। ईशान के इसी ढुलमुल रवैये पर अब सवाल उठ रहे हैं। वहीं अफगानिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज से पहले राहुल द्रविड़ ने टीम के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान ईशान किशन को लेकर भी उनसे सवाल पूछे गए। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक राहुल ने जवाब में कहा कि उन पर किसी तरह का कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की गई। वो अफगानिस्तान के खिलाफ चयन के लिए उपलब्ध नहीं थे। जैसे ही वो उपलब्ध होंगे उनके नाम पर विचार जरूर किया जाएगा, लेकिन इस दौरान उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि ईशान को फर्स्ट क्लास क्रिकेट में खुद को साबित करना होगा। जिस तरह राहुल द्रविड़ ने ईशान को फर्स्ट क्लास क्रिकेट में खेलने की सलाह दी उससे एक बात तो साफ है कि मैनेजमेंट उनसे खुश नहीं है। झारखंड की टीम 12 जनवरी से रणजी ट्रॉफी में महाराष्ट्र के साथ अपना दूसरा मैच खेल रही है जबकि ईशान का नाम टीम में नहीं है। ऐसे में साफ तौर पर यह माना जा सकता है कि ईशान कोच राहुल द्रविड़ के आदेश को नजरअंदाज कर रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर आधिकारिक रूप से कुछ भी सामने नहीं आया, लेकिन जिस तरीके से ईशान को पहले T20 और अब टेस्ट टीम से बाहर किया गया है इससे साफ है उनका करियर अब खतरे में। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।